हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सरोजनी नायडू की फेमस पोएम द सॉन्ग ऑफ प्रिंसेस जैबुनिसा इन प्रेज ऑफ हर ओवन ब्यूटी, इस पोएम की एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। इस पोएम के अंदर सरोजनी नायडू ने एक फिजिकल पर्दे के बारे में बताया है। उन्होंने इस पोएम में पर्दे में छुपी हुई राजकुमारी जैबुनिसा को प्रेजेंट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं और उन्हें अपने फिजिकल चार्म का अच्छे से पता है और वो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हैं। जैबुनिसा ये फील करती हैं कि सुंदरता की अगर बात की जाए तो उनका कोई कंपटीटर नहीं है। वो ये डिक्लेयर करती हैं कि अगर मैंने पर्दा नहीं रखा तो मेरे जो ब्यूटी है उससे बाकी औरतें दुखी हो जाएंगी। ये जो पर्दा है, इसी पर्दे से बाकी औरतों की को डिसग्रेस से बचाया हुआ है। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो वो कहती हैं, व्हेन फ्रॉम माय चिक आई लिफ्ट माय वेल, कहती हैं कि जब मैं अपने चेहरे से वेल मतलब पर्दा, जब मैं चेहरे से पर्दा उठाती हूँ, द रोजेस टर्न विद एनवाय पेल, तो गुलाब ईर्ष्या के कारण पीले हो जाते हैं। यहाँ रोजेज जो हैं उन्हें हम मेटाफोरिकली वीमेन कह सकते हैं। बाकी औरतें जो हैं मेरी सुंदरता देखकर ईर्ष्या के मारे पीली हो जाती हैं। एंड फ्रॉम देयर पियर्स्ड हार्ट्स रिच विद पेन सेंड फोर्थ देयर फ्रेग्रेंस लाइक अ वेल, और उनके जो दिल हैं उनके दिल में पियर्स जख्म हो जाते हैं और उनका दिल में दर्द भर जाता है, और फिर उनकी जो सुंदरता है वो लाइक ए वेल वो रोने लग जाती है। यानी कि मेरी जो सुंदरता है, अगर मैं पर्दा ना करूं तो मेरी सुंदरता देखकर बाकी औरतों की हालत खराब हो जाएगी। प्रिंसेस जैबुनिसा को अपनी फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा घमंड है। वो यहाँ पर थोड़ा सा एरोगेंट फील कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये जो पर्दा है, उस पर्दे ने बाकी औरतों में एक स्ट्रॉन्ग इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स को होने से रोक रखा है। उनकी ब्यूटी मैचलेस है और ये जो पर्दा है उसने बाकी लोगों को ईर्ष्यालु होने से, एनवाय होने से बचा रखा है। वो कहती हैं कि ये जो पर्दा है इसने मेरे चेहरे को जो रोक रखा है, छुपा रखा है, इससे बाकी औरतों को ये नहीं फीलिंग आती कि वो मेरी ब्यूटी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि वो आगे वो मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन को चैलेंज करते हुए कहती हैं कि जो औरतें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं गुलाब की तरह, वो भी मेरे को जब मैं अपना पर्दा हटाऊंगी तो मेरा रूप देखकर उन औरतों का भी जो रंग है वो उड़ जाएगा। यानी कि द रोजेस टर्न विद एनवाय पेल, यानी कि सुंदर औरतें जैबुनिसा की माइंड ब्लोइंग बिना पर्दे की ब्यूटी को देखकर ईर्ष्या एनवाय एक्सपीरियंस करेंगी, फिर वो रोने लग जाएंगी क्योंकि उनको ऐसी ब्यूटी नहीं मिली है जैसी ब्यूटी गॉड ने प्रिंसेस जैबुनिसा पर ब्लेसिंग दी है। और वो कहती हैं कि इसके बाद वो कहती हैं, और इफ परचांस वन परफ्यूम्ड ट्रेस, ट्रेस मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी, अब जैसे राजकुमारी हैं तो इनकी जुल्फों में बड़ा खुशबू वाला तेल लगा होगा। अगर वो कहती हैं कि और अगर मेरी एक जो जुल्फ है बी लोवर टू दी विंड्स करेस, अगर मैंने अपनी एक जुल्फ खोल दी और उसको कहीं हवा ने छू लिया, द हनीड हासिंथ कंप्लेन, तो फिर उससे जो हासिंथ के फूल है ना
वो भी शिकायत करने लगेंगे. एंड लैंग्विश इन अ स्वीट डिस्ट्रेस, और वो भी एक दुख के कारण कमजोर हो जाएंगे, लैंग्विश हो जाएंगे. एंड व्हेन आई पॉज, और जब मैं रुकती हूँ, स्टिल ग्रूव्स अमंग, अगर मैं बागीचों में रुकती हूँ, सच लवलीनेस इज माइन, और मेरी सुंदरता ऐसी है, एक थ्रंग ऑफ नाइटेंगल्स अवेक, कि जब मैं बागीचों में रुकती हूँ तो बुलबुलों का एक झुंड जो है वो जाग पड़ता है. एंड स्ट्रेन देयर सोल्स इनटू अ क्वीरिंग सॉन्ग, और फिर वो एक ऐसा गाना गाता है जिस गाने को सुनकर, जिस जबरदस्त गाने को सुनकर बाकी लोगों की आत्मा हर्ट होती है. आपको पता है जो औरतें सुंदर नहीं होती हैं उनमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है. अगर वो किसी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल अनवेल्ड वीमन को देखती हैं, तो इस कविता में सरोजनी नायडू ने वेल को एक सोशल कस्टम के रूप में प्रेजेंट किया है, जो कि औरतों को अपनी ब्यूटी को की एग्जीबिशन से रोकता है, और इस तरह से वो दोनों तरह की औरतों को सेम कर देता है. जो सुंदर है वो भी पर्दे में है, जो अगली है वो भी पर्दे में है. इस तरह से वेल, ये जो घूंघट है, ये बहुत सारी औरतों के लिए एक वरदान है, क्योंकि उससे दूसरों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता है, क्योंकि उनमें एक डिप्रेवेशन पैदा नहीं होता है कि गॉड ने उन्हें ब्यूटी और चार्म नहीं दिया है. सो आई होप फ्रेंड्स, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.